त्योहारों का सीजन शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग पहले से अधिक सक्रिय हो गया है। जी हाँ, जगह जगह अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। किसी भी तरह की कोई मिलावट मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग के द्वारा अपने विभिन्न टीमों को जिला में सक्रिय कर दिया गया है, तो वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले खाद्य पदार्थों पर भी प्यारी नजर रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि जिला सोलन की जनता के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यवसायी मिलावट करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने कहा कि उनका विभाग जिला के विभिन्न क्षेत्रों से सैंपल एकत्र कर रहा है। अभी तक उनके द्वारा 32 सैंपल बाजार में लिए जा चुके हैं। वहीं बद्दी और सोलन में दो टीमों का गठन प्रारंभिक तौर पर किया गया है जो बाजार से सैंपल एकत्र करेगी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जैसे करवा चौथ, दिवाली, और इसके लिए हमने दो टीम्स बनाएंगे। एक हमारी रहेगी सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो कि MC में करेगी, कंडा घाट धर्मपुर वाला एरिया परमाणु तक, और दूसरी टीम हमारी बद्दी डोटी वाला नालागढ़ और अर्की डाला घाट इस साइड सैंपल लिस्ट करेंगे और जो भी हमारे स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अधिकारी 32 सैंपल लिस्ट करेगा। इस टाइम हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा जैसे जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, खोआ हो गया या जो भी जैसे बर्फी होगी, पनीर हो गया, और ज़्यादातर जैसे मिठाइयाँ आजकल फेस्टिवल सीजन में जो मिठाइयाँ बनती हैं, नमकीन बनता है, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। लोगों को ये सलाह है कि मिठाई उसी दुकान से खरीदें जहाँ दुकान में बेस्ट बिफोर या मैन्युफैक्चर डेट मेंशन होगी, मिठाई कब बनी है और कब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी।